So as promised, today is the day 2 and I am going to talk about signature again. तो आज हम लोग कनेक्टेड सिग्नेचर के बारे में बात करेंगे. जैसा कि कल हमने कहा था कि कोई भी जब सिग्नेचर करता है तो उसके कई पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट उसका खुद का नाम, दूसरा उसके फादर का नाम, तीसरा उसके उसका सरनेम. तो अगर कोई इंसान ये सिग्नेचर करते समय सभी चीज़ों को कनेक्ट कर दे, मतलब उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसका सरनेम, अगर ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, मतलब एक फ्लो में अगर कोई पूरा अपना सिग्नेचर करता है. देखिए, इस फ्लो की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस फ्लो में मैं अंडरस्कोर को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, अंडरस्कोर की बात नहीं कर रहे. अदर देन अंडरस्कोर, अगर आप सिग्नेचर करते हो और वो सिग्नेचर पूरी तरह कनेक्टेड होता है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका सरनेम, आपका नाम और आपका सरनेम, या मतलब इंडिविजुअल नाम ना होते हुए कोई भी दो एस्पेक्ट रहे और वो कनेक्ट हो जाए, तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब आप आपका नाम और सरनेम या आपका इनिशियल और सरनेम लिखते हो और वो एक फ्लो में लिखते हो, एक झटके में सिग्नेचर करते हो, तो ये दर्शाता है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी होगा उसका डायरेक्ट असर आपकी फैमिली पे होगा. आपने खुद का नाम लिखा, जैसे मेरा नाम सुधीर कोवे है और मैंने एस कोवे लिख दिया और एस और कोवे को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इसका मीनिंग हो जाता है कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी होगा उसका डायरेक्ट असर मेरी फैमिली पे होगा. मतलब मैं मेरा काम का चीज़ मैं फैमिली को बताऊंगा और मेरा फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे फैमिली में अगर कुछ चैलेंज है, तो वो काम पे भी असर डालेगा. मतलब फैमिली और काम, या मैं और काम, मेरा जो कुछ भी वाइब्रेशंस है वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे. यही अगर सिग्नेचर हमने पूरी कर दी, मतलब एस एल कोवे लिख दिया और पूरा का पूरा सिग्नेचर कनेक्ट कर लिया, तो ऐसे में मेरे लाइफ में जो कुछ भी होगा उसका डायरेक्ट असर मेरे फादर और मेरे मदर पे हो जाएगा. मतलब हर एक चीज़ में पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी. तो ये कनेक्टेड सिग्नेचर जो कोई भी करता है उनका बाय डिफॉल्ट वो सभी लोग सभी बाकी लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं. तो ऐसे में व्यक्ति काम से परेशान होता है तो घर पे भी परेशान हो जाता है और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, और घर पे अगर कुछ दिक्कत है तो ऐसे व्यक्ति के काम पे बाहरी दुनिया पे भी ऐसी चीज़ों का असर पड़ता है. तो ये आज का इन्फॉर्मेशन था कनेक्टेड सिग्नेचर्स के बारे में. कल हम ऐसे ही किसी और सिग्नेचर के बारे में बातचीत करेंगे, जहाँ पे आपको और एक पहलू सिग्नेचर का हम समझाएंगे कि किस तरह से सिग्नेचर अपनी लाइफ में महत्वपूर्ण है और किस तरह से सिग्नेचर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा असर करता है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. इफ यू आर लाइक द कंटेंट, प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड शेयर.